किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से आपका पुनः इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली बार जब आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने एक सामान्य कीट नियंत्रण किस तरह से होना चाहिए फसल में उसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज मैं एक विशेष कीट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो कि सोयाबीन में लगभग हर साल आता है और काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ये कीट है तंबाकू की इल्ली, जिसे आप लोग प्रचलित भाषा में चित्तीदार इल्ली या काली इल्ली भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा लिटुरा होता है। ये कीट जितना नुकसान करता है, जितना देखने में मुश्किल लगता है, उतना ही उसको नियंत्रित करना आसान होता है। आसान इसलिए हो सकता है अगर आप उसके जीवन चक्र का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो इसका नियंत्रण बहुत आसानी से हो सकता है। इसका जीवन चक्र ऐसा होता है कि जब मादा मक्खी होती है नर से मिलने के बाद में पत्ती की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है, और जब इन अंडों में से इल्लियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, तो वो एक ही पत्ती पर रह के पत्ती का हरा भाग खुरच खुरच कर खाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वो पत्ती पूरी सफ़ेद हो जाती है, जालियाँ पड़ जाती हैं उसमें। फिर वो एक पत्ती से उसी पौधे की दूसरी पत्ती पर जाती हैं, वहाँ पर भी यही क्रिया करती हैं। तो कुछ दिनों में आपको स्पष्ट दिखेगा कि या तो पौधे की एक पत्ती सफ़ेद हो गई या पूरा पौधा सफ़ेद हो गया। आप पास से जाके देखेंगे तो उसमें आपको असंख्य इल्लियाँ मिलेंगी, इस कीड़े की तंबाकू की इल्ली की छोटी छोटी इल्लियाँ मिलेंगी। जैसे जैसे इनका जीवन काल बढ़ता है, ये इल्लियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे पर और फिर पूरे खेत में फैल जाती हैं। तो अगर आप जागरूक हैं, अगर आप निगरानी सतत करते हैं अपने खेतों की, रोज चक्कर लगाते हैं, तो आपको इस तरह के पौधे दूर से ही स्पष्ट दिखने लगेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वहाँ पर जाके या तो एक पत्ती पर अगर इल्लियाँ हैं तो वो पत्ती, और अगर पूरे पौधे पर फैल गई हो तो वो पूरा पौधा उखाड़ कर खेत के बाहर कीजिए, उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। तो इस तरह एक समूह में जितनी 200, 250, 300 इल्लियाँ हैं वो आप एक प्रयास में ही बाहर कर सकते हैं। इस तरह की अगर गतिविधि आपने एक हफ्ता या 10 दिन में 2-3 बार कर ली तो तंबाकू की इल्ली से बहुत निजात मिल सकती है। साथियों, इसके अलावा कीटनाशक तो हमारे पास में ही है ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और दो विधियाँ आपको बताना चाहूँगा जो कि इस कीट के नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और प्रभावी हैं।